अभी ये देखो, ये 12 अंडे हैं हमारे पास, तो इनको हम देके रखते हैं अपने इनक्यूबेटर में। सभी देसी हैं ये। 32.9, 33 हो चुका है। क्या पता कब तक पड़ेगा भाई, ये भी टूट गया ना क्या पता। हाँ ये तो मसला हो चुका है। वैसे अगर हम बंद करके इनको फीड डालते रहे फिर देसी थोड़े होंगे, तो जैसे वो फार्म वाले होते हैं वैसे ही होंगे ये भी। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक और मस्त होंगे। तो आज हम अपना इनक्यूबेटर दोबारा से लगाएंगे और उसमें अंडे वगैरह रखेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 10-12 अंडे तो जमा हो गए हैं अपनी देसी मुर्गी के, और मौसम भी बहुत बढ़िया है। पहले उसको चालू करेंगे, उसके बाद हम अंडे वगैरह देखेंगे हमारे पास कितने, 10-12 तो हो गए इंशाल्लाह। तो फिर जब अपनी मुर्गियाँ सारी अंडे वगैरह देंगी तो हम भी अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम रखना स्टार्ट करेंगे। और आज मौसम भी बढ़िया है, मौसम भी आपको दिखा दे थोड़ा, हम देख रहे धूप वगैरह बहुत मस्त लग रही है। तो अब हमारा सोलर भी इंशाल्लाह चार्ज हो जाएगा और साथ में लाइट वगैरह भी आ रही है। तो आज पहले इसको चालू करते हैं, उसका टेम्परेचर वगैरह सारा सेट करके फिर रखते हैं हम अंडे। इतना खूबसूरत मौसम है आज, धूप लग रही है, और देखो हमारे सारे पिजन आज बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे भी पूरा दिन इधर ही बैठे रहते हैं, अभी देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं छत पर। अब गर्मियाँ वगैरह इंशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, अब देखो हरियाली भी नज़र आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी घास वगैरह बड़े हो रहे हैं अब, बहुत मज़ा आ रहा है। आजकल का मौसम हमारे यहाँ का सबसे अच्छा मौसम होता है। अभी लगभग 10-15 दिन के बाद जब यहाँ पे पेड़ अपने फूल वगैरह निकालेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, बहुत ही मस्त व्यू होता है यहाँ का। और किस हमारे पेड़ ने अभी ये फूल वगैरह निकालना स्टार्ट हो चुका है, और पीछे सरसों वगैरह भी फूली हुई है। अब चलते हैं हम अपने काम पे, पहले इनक्यूबेटर को चालू करते हैं, उसके बाद जाके अंडे भी लाने हमने। इस वाले रूम में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही मुझे पता होगा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे धूप लगती है ना, बढ़िया वाली धूप लगती है। तभी पहले हम बताते हैं कितना होगा यहाँ का अभी जो बिना इनक्यूबेटर के है। पहले हम इसको चालू करते हैं, फिर जाके पता चलेगा कितना है। ये चालू हो चुका है, और इसके देखते हैं 22 तो इस रूम में वैसे ही है, अभी हमने चालू किया आपके सामने। और देखो इसका मतलब अभी वो है भी बीच में टेम्परेचर वाला, अगर बाहर निकालें तो पानी वगैरह भी रखते हैं। अभी 22.6 बाहर है इसका, इतना दूर। अभी ये भी चालू कर दिया हमने, अब लाते हैं जाके हम एग। इतने अंडे हो चुके हैं हमारे पास, अब ये हमने रखने, तो देखने पड़ेंगे इनमें कोई टूटा हुआ ना हो। तो अभी उठाते हैं इनको यहाँ से सभी को। अभी ये देखो, ये 12 अंडे हैं हमारे पास, तो इनको हम लेके रखते हैं अपने इनक्यूबेटर में। सभी देसी हैं ये, कुछ वाइट वाली मुर्गी की और कुछ कड़कनाथ के, बस और तो कोई देती नहीं अभी तक। इनक्यूबेटर चालू तो किया मैंने, लेकिन ढका ही नहीं। फिर ही काम है इनक्यूबेटर को चालू करके, ऊपर से हमने इसका जो ढक्कन था वो रखा ही नहीं है, ये भी उल्टे काम है। चलो फिर भी रखते हैं अब अंडे रखने, हमने अंडे हमारे ये रहे, तो ऊपर से फिर रखेंगे दोबारा। ऑटो क्वालिटी इसका सही रहना चाहिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई कागज रखना पड़ेगा पहले नीचे, फिर उसके ऊपर हमने रखने पड़ेंगे ये अंडे। पहले इनको भी नीचे रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ और होगा हमसे। दुआ करना सारे सभी निकल आए, तो आज हम रखने को जा रहे हैं। ये कागज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम रखते हैं इसमें पानी भी, करते हैं बिस्मिल्लाह और रखते हैं इनको। और हर दिन इनको साथ साथ में घुमाना भी पड़ता है, सभी को ऐसे करना पड़ेगा ताकि ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर चली जाए। डेट वगैरह नहीं अभी हमने इन पर लिखी है, ये वाला छोटा सा क्या पता निकलेगा या फिर। चलो रखने हमने, देखते हैं। हमने रख दिए अंडे सारे, थोड़ा इनको पास के लेके आते इधर। लगभग 50 अंडा तो इसमें आ जाता है आराम से, और एक बल्ब और एक फैन और लगाना पड़ेगा, 50 अंडे आराम से आ जाएंगे। मीटर को रख देते हैं इनके बीच में,
ताकि यहाँ का जो एक्चुअल होगा टेम्परेचर वो पता चले। अभी हम रखेंगे इसके ऊपर ढक्कन भी, उसको कर देंगे बंद। वाला बॉक्स इधर रखते हैं और अभी है 24.1 हो चुका है अभी, क्योंकि हमने एंडू के पास रखा ना तो वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, इसलिए अभी वहाँ का टेम्परेचर बताएगा। यहाँ पे देखो ऊपर से भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। अभी रिपेयर करना था लेकिन वैसे ही मैंने रख दिया, इंशाल्लाह कल तक इसको और रिपेयर कर देंगे। अभी ये भी बड़े ना फिर जाके पता चलेगा, अभी तो कम ही हो रहा है ना 23.2। हाँ अभी ऊपर से हमने ढक्कन रखा ना इसलिए। इसको देखेंगे लगभग 10 मिनट के बाद जब इसका टेम्परेचर 37 तक या उससे कम हो, फिर जाके पता चलेगा कंट्रोल होगा इस बार भी या नहीं। तो अभी तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। अभी ये हो चुका है 23, क्योंकि कम हो रहा है क्योंकि अभी हमने पानी भी रखा है वो भी ठंडा, और जो हमने एग रखे हैं वो भी अभी ठंडे, क्योंकि हमने अपने नीचे वाले छत में रखे हुए थे तो वहाँ पर थोड़ी सी सर्दी ताकि ख़राब भी ना हो जाए ना, वो भी देखना पड़ता है ये ना हम ख़राब एग रख दें निकलेगा उसमें से कुछ नहीं। दो तीन दिन के बाद दोबारा चेक करेंगे हम अंडों को, तो फिर पता चल जाएगा किसमें बनना स्टार्ट हुए या किसमें नहीं। जब तक इनक्यूबेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो तब तक हमने अपनी मुर्गियाँ वगैरह बाहर निकाली हैं, इनको भी थोड़ी देर बाहर घुमाते हैं। आजकल रूटीन हमने बनाई हुई है इनको भी बाहर निकालना है ताकि ये भी धूप वगैरह लगाएं, क्या पता बाहर घूमने से अंडे वगैरह दें। वैसे अंदर एक जगह बंद रहते ना तो फिर तभी अंडे नहीं दे रहे, क्या मसला है। आज हमारा माल मवेशी भी यहीं पर है और देखो कैसे हाँप रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आज। यहाँ पर देखो गोबर में लगे हुए, उधर देखो मिट्टी में। टर्की को देखो उसने क्या किया हुआ, पंख फैला के पूरे पंख में देखा इतनी मिट्टी है इन्होंने जमा किया करके रखी। और ये होता है डस्ट बात, इससे बीमार नहीं पड़ते। यहाँ पे कीड़े मकोड़े ढूंढ के खा रहे हैं, तभी तो देसी होते हैं। वैसे अगर हम बंद करके इनको फीड डालते रहे फिर देसी थोड़े होंगे, फिर तो जैसे वो फार्म वाले होते हैं वैसे ही होंगे। ये भी देसी होते हैं, घूमने से घूमेंगे इधर उधर कीड़े मकोड़े खाएंगे तभी जाके ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, तभी कहा जाता है कि देसी हैं। बंद करके रखोगे वो देसी थोड़े होते हैं, फिर वो हो जाते हैं जैसे फार्म वाले रखते हैं पोल्ट्री फार्म, तो वैसे। बाकी तो छोड़े, हमारे इनक्यूबेटर का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है, अभी भी 32.8 पे पहुँचा है। एक तो शायद लग रहा है जो हमने ही इसका रेड वाला बल्ब लगाया ना तो उसमें से थोड़ा कम आ रही है लाइट, तभी इतना जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। वैसे और कोई तो मसला नहीं हो सकता ना, अभी भी इतने ही पे रुका हुआ है, चेक करना पड़ेगा कहीं ओके। थर्टी थ्री हो चुका है, क्या पता कब तक पड़ेगा। मैं ये भी टूट गया ना क्या पता, हाँ ये तो मसला हो चुका है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा कुछ चीज़ लगा के ऐसी ताकि इसमें से भी जो हीट ऐसी बाहर ना आए ताकि सारा ठीक रहे। ये अभी टेप ही ढूंढनी पड़ेगी, वो कहाँ पे रखी होगी पता नहीं। देखो घास की क्या हालत करके रखी हुई है, मैं एक मिनट के लिए अंदर क्या गया, इन्होंने तो इसी को खाना स्टार्ट कर दिया। इतना खाने का कुछ नहीं होता, बस ये बीमार पड़ जाएंगे। ये अपनी मुर्गियां वगैरह सब कुछ बंद हो गया और अपने पिजन भी अंदर आ चुके हैं। कल हमने बनाने इनके लिए भी थोड़े यहाँ पे कुछ चीज़ वगैरह लगानी ताकि ये भी हो जाए ठीक। और यहाँ पे देखो सारे बंद हो चुके हैं और इस साइड वाले भी आ चुके हैं, लेकिन एक कबूतर नहीं है कहीं पर नहीं। हाँ वो उधर बैठा हुआ है, मैंने सोचा कहाँ गया, उसके साथ वाला वहाँ पे था ना, तो इनको अब करते हैं बंद। हमारा इनक्यूबेटर चल रहा है 37.5 पे पहुँच के चल जाता है वापस, शुक्र है पूरा कट वगैरह चल रहा है। तो अभी मैं अंदर आया था देखा मैंने, अभी आज का मैं अंडे चेक कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ इसी को देखना है। शुक्र है चल रहा है, बस यही बड़ी बात थी कि चलना चाहिए। अब दो चार दिन के बाद जब दोबारा इनमें रगें वगैरह बनना स्टार्ट होगी फिर आपको दिखाऊँगा मैं, कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है या ऐसे ही हम बैठे रहे लेके। अभी देखते हैं 37.7 पे जाके बंद होगा या फिर
देखा आपने बंद हो गया, अब ये 37.4 पे आके दोबारा चालू हो जाएगा, वो छोड़ो उसको। 9 मार्च थी ना, तो अब देखते हैं कब जाके निकलेंगे ये, लगभग 22 दिनों में तो निकल जाते हैं। लाइट वगैरह रहनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।